हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका नॉलेज एंटरटेनर्स में। मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नो के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो या फिर आप कुछ करते हुए उसके साथ में ऑनलाइन एजुकेशन या फिर डिस्टेंस एजुकेशन लेना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इग्नो से अपनी किसी भी डिप्लोमा या डिग्री या फिर सर्टिफाइड कोर्सेज को कर सकते हैं, जिसके आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो दोस्तों, क्या है इग्नो, किस तरीके से हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है किसी भी डिप्लोमा या डिग्री को, तो दोस्तों वो सारा प्रोसेस आज मैं आपको यहाँ से बताऊँगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन आया है कि 31 जुलाई तक इसकी एडमिशन्स ओपन है, उसके बाद ये बंद हो जाएंगी और ईयर में 2 times इसकी एडमिशन्स होती हैं। तो दोस्तों, अभी ये डेट चल रही है इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इग्नो क्या है, पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे कोर्स को ज्वाइन करना है, कैसे साइन इन करना है, सारा प्रोसेस मैं यहां पर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आइए अभी और टाइम ना लेते हुए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां से देखते हैं कि इग्नो क्या होता है और कैसे हमें यहां पर करनी है रजिस्ट्रेशन। और हां दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो। तो दोस्तों देखिए, अभी हम यहाँ पर मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मेरे पास यहाँ पर क्रोम है, तो इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है IGNOU, ठीक है। तो जैसे हमने सर्च किया तो देखिए, इसकी फर्स्ट वेबसाइट हमारे सामने आ जाएगी www.igno.ac.in। तो हम करते हैं इस पर क्लिक, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली भी इस पर जा सकते हैं, तो आपको ऐसे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअली में इग्नो होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, ये ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आप कोई भी डिस्टेंस लर्निंग या फिर ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका क्या प्रोसेस है सारा मैं आपको अभी यहाँ पर बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमें नीचे सबसे पहले ये एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि एडमिशन पोर्टल्स फॉर ऑनलाइन एंड ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम फॉर जुलाई 2022 सेशन। तो इस पर हम करते हैं क्लिक, ठीक है। तो जैसे हमने क्लिक किया, देखिए हमारे सामने ये इंटरफेस आ चुका है। तो दोस्तों, अगर आप डिस्टेंस लर्निंग लेना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन लर्निंग करना चाहते हैं, इसके लिए डिफरेंट यहां पर अप्लाई करने के 2 चीजें दी हुई हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां पर करना चाहते हैं डिस्टेंस लर्निंग, तो हम यहां पर इस पर करना है क्लिक, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो उसके बाद देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस सारा ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप यहां पर रजिस्टर्ड नहीं हो तो मैं आपको यहां से 1 by 1 बताता हूं कि कैसे हमें करना है रजिस्टर। तो देखिए, अभी मैं यहां पर रजिस्टर करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो यहां पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस पर हम करते हैं क्लिक, ठीक है। तो अगर तो आप रजिस्टर्ड हो तो आप थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो आपको यहां पर अपना नेम फिल करना है, जैसे मैं यहां पर अपना नेम फिल करता हूं, तो आपको यहां पर फिल करना है स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। तो आपको यहां पर जो सेकंड नंबर में नेम फिल करना है वो आपको करना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स पर चल रहा है, जो आपके स्टडी करने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको जो भी आपने फिल किया होगा अपना नेम आपका वहां पर है, वो आपको यहां पर फिल करना है। उसके बाद आपको करनी है अपनी ईमेल आईडी। तो अभी मैं यहां पर अपनी ईमेल आईडी को फिल करता हूं। और दोबारा फिर से ईमेल आईडी को फिल करना है, तो ये कर दिया। उसके बाद आपको रखना है पासवर्ड। तो इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, तो मैं यहाँ पर अपना फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जैसे आपने ये सारी अपनी पर्सनल डिटेल फिल कर दी, तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा को फिल कर देना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसे फिल कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे हमने यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल को फिल किया और उसके बाद हमने कैप्चा को फिल कर दिया, तो यहाँ पर आ चुका है योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ पर अकाउंट हमने बनाया है उससे हमें करना है यहाँ पर रजिस्टर। तो अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पर जो मैंने वहाँ पर यूजर नेम डाला था, और उसके बाद डालता हूँ यहाँ पर अपना पासवर्ड, ठीक है। तो ये चला गया यहाँ पर, तो उसके बाद यहाँ पर करना है कैप्चा फिल, ठीक है। तो अभी फिल करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक किया, तो हमारा जो क्या है वो सक्सेसफुली यहाँ पर अकाउंट बन चुका है। उसके बाद करना है आई हैव रीड द इन्फॉर्मेशन, ये आप सारी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको करना है सबमिट, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर सबमिट करेंगे तो देखिए इस तरीके से इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी सारी डिटेल को फिल करना है, यहाँ पर पर्सनल डिटेल, ठीक है। उसके बाद कौन सा प्रोग्राम, कौन सी क्वालिफिकेशन है, कौन सा कोर्स आप लेना चाहते हो, ठीक है, वो सारी डिटेल्स है। लेकिन ये जानने से पहले आप सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पर हमें जाना है प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पर चले गए, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको सारी डिग्रीज और सारे कोर्सेज दिए हुए हैं जिन्हें आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कोर्स है एप्रिसिएशन कोर्स ऑन एनवायरमेंट, ठीक है। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल में जाना चाहते हैं पहले कि आपको अगर यहाँ से बीए करनी है, बैचलर ऑफ आर्ट्स करनी है, तो यहाँ पर रीड मोर पर क्लिक कीजिए, ठीक है। तो जैसे हम रीड मोर पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको बताया हुआ है डिसीजन में आपके कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, ठीक है, कितने टाइम पीरियड का ये आपकी डिग्री है, आपकी होगी 3 years की, ठीक है, इंग्लिश
हिंदी आपका मीडियम रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीए के लिए आपको 11,400 देने पड़ेंगे फुल प्रोग्राम के, मतलब कि ईयरली आपको 3,800 पर ईयर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारी फीस बताई हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने बीए का देख लिया, ये तो एक था 3 इयर्स का कोर्स। अगर आप मान लीजिए कि आप 3 इयर्स का नहीं या फिर मंथ्स का करना चाहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एक कोर्स है एप्रिसिएशन कोर्स ऑन एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये सर्टिफाइड कोर्स है, आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पर इसका फीस स्ट्रक्चर देखिए, सिर्फ 1200 का ये कोर्स है, ठीक है। तो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस साथ में लगेगी 300, ठीक है। तो ये चीज़ साथ में होगी, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मीडियम इंग्लिश हिंदी रहेगा और जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स है, ठीक है। तो यहाँ पर स्कूल है जो स्कूल ऑफ साइंसेज, तो दोस्तों ये है ओपन डिस्टेंस लर्निंग। तो दोस्तों क्या डिफरेंस होता है डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग में, अगर आपको नहीं पता कमेंट कर देना, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज होगी दोस्तों, यहां पर आपको इसके सारे बताए हुए सारी डिटेल दी हुई है, ठीक है। तो वो आप यहां से जाकर प्रोग्राम इंफॉर्मेशन में अपने हिसाब से जो भी आपको कोर्सेज चाहिए, जैसे कि 6 मंथ्स के कोर्सेज भी हैं और 6 मंथ्स के डिप्लोमास भी हैं, वो आप यहां से कर सकते हैं और सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। फिर कहीं पर भी आप अपने रिज्यूम में या वगैरह यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब इसका एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद दोस्तों आपके यहां पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपने ये सारी चीज देख ली, और अगर अब आपको करना है इसमें अपना किसी भी कोर्स को ज्वाइन, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, यहां पर आपको फिर से होम पर जाएंगे, फिर से आई हैव रीड और उसके बाद सबमिट करेंगे। तो दोस्तों देखिए ये इंटरफेस सारा आपके सामने आ जाएगा, ये मैं अभी नहीं बताने वाला हूं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। आप सिंपली पर्सनल इंफॉर्मेशन भरिए, प्रोग्राम को चूज कीजिए, क्वालिफिकेशन कीजिए, कोर्स कीजिए, कॉरेस्पॉन्डेंस और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं प्रीव्यू, और उसके बाद आपको फीस पे कर देनी है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में देखना है, तो यहां पर जब आप इसको, अभी मैं करता हूं लॉग आउट, ठीक है। तो मैंने जैसे लॉग आउट किया, तो जैसे आप लॉग आउट करेंगे, देखिए आपको यहां पर सारा बताया हुआ है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 31 जुलाई, ठीक है। तो आपको मैंने ये तो बता दिया कि आपको किस तरह से अपने अकाउंट को क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद बहुत सिंपल सा प्रोसेस है आपको उसे करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट कर देना नीचे, मैं उस पर भी वीडियो पूरी बना डालूंगा, ठीक है। लेकिन आपको यहां से इग्नो की तरफ से भी आपको यहां पर कुछ वीडियोस देखने की ऑप्शन है, और अगर आप फिल करना सीखना चाहते हैं एप्लीकेशन को, तो आप इन दो वीडियोस को चेक कर सकते हैं, मैं इनके लिंक यहां पर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से जाकर भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आपको देखिए यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, वो आप सारा पढ़ सकते हैं कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो सारी चीजें आप यहां पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वो पूरी वीडियो थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आप जॉब करते हुए या फिर कोई और काम करते हुए साथ में आप डिस्टेंस लर्निंग फिर ऑनलाइन लर्निंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए इग्नो, तो दोस्तों आप यहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है पूरी डिटेल में समझाने की, तो अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो मैं आपको फिर से कहता हूं कमेंट करना, या फिर इंस्टा का यहां पर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पर आप मैसेज करना, मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करूंगा। और हां दोस्तों इसी से रिलेटेड मेरे चैनल पर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी स्वयं कोर्सेज पर, तो दोस्तों स्वयं भी एक वेबसाइट है जहां से आप फ्री में कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, यहां पर तो आपको पे करना पड़ता है ना, वहां से आप फ्री में कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, उसकी नॉमिनल सी फीस होती है 500 या 1000 रुपीज। तो दोस्तों अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो यहां पर आई बटन में लिंक मिल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लो, उसके भी आप वहां पर जाकर वहां से एनरोल कर सकते हैं और वहां से भी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको अच्छे अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, अच्छी लगी होगी, और कैसी लगी यह वीडियो कमेंट में जरूर बता देना। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, तभी आपको आने वाले टाइम में इसके नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे ऐसे कई नई वीडियोस के साथ, तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा दोस्तों।